चींटियों को हमारे घर से लेकर गार्डन तक ऑलमोस्ट हर जगह देखा जाता है। बट डू यू नो एंट्स हमारे वर्ल्ड में 140 टू 168 मिलियन ईयर्स पहले से मौजूद है। इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत से स्पीसीज विलुप्त भी हो गए हैं। बट चींटियां विलुप्त होना तो छोड़ो और बढ़ा है, एंड आज पूरे वर्ल्ड में 20 क्वाड्रिलियन एंट्स है। कैन यू बिलीव इट, 20 क्वाड्रिलियन चींटियां। वो कौन से रीजन है जिस वजह से एंट्स इतने सक्सेसफुल स्पीसीज है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में एंट्स की इनसेन बायोलॉजी को। पूरे दुनिया में एंट्स की 20,000 स्पीसीज है, उनमें से 845 स्पीसीज इंडिया में है। उनमें से कुछ कॉमन एंट्स के नाम है क्रेजी योलो एंट्स, कारपेंटर एंट, फराओ एंट, रेड ओवर एंट, ब्लैक क्रेजी एंट, एर्बोरियल बाइकलर एंट, घोस्ट एंट्स। इनमें से जो एर्बोरियल बाइकलर एंट है ना, इसने मुझे बहुत दुख दिया है। एक दिन मैं पेड़ पे चढ़कर प्यारा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान इसने मुझे काट लिया था। और सच्ची बता रहा हूँ, इसके काटने से बहुत दर्द होता है। ये तो मैंने बस एक इंसिडेंट बताया, बट इस चींटी ने मुझे बहुत बार काटा है और मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। ये तो मुझे इस वीडियो के रिसर्च के दौरान पता चला कि इसका नाम एर्बोरियल बाइकलर है और नाम अंदर देखे तो ये काटपीपी नाम ही परिचित हो। अच्छा, वादे पे टॉपिक पर वापस आते हैं। आजा। एंट्स के इतने सक्सेसफुल स्पीशीज होने के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है उनके रहने का तरीका। एक एंट कॉलोनी में दो तरह की एंट होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव वर्कर कास्ट एंड रिप्रोडक्टिव रॉयल कास्ट। एक कॉलोनी में एक क्वीन होती है और पूरा कॉलोनी का काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्वीन को सर्व करना। एक कॉलोनी की शुरुआत होती है क्वीन एंट के जन्म से, और क्वीन एंट के जन्म तब होता है जब मदर क्वीन एक स्पेशल तरीके के अंडे देती है जो बाकी लाखों अंडों से अलग होता है। जब कॉलोनी एक सर्टेन साइज की हो जाती है तब मदर क्वीन इस तरह की स्पेशल अंडे देती है, और जब इस अंडे से बच्चे होते हैं तो वो रेगुलर वर्कर एंट से बड़ी होती है एंड उनमें क्वींस होती है। दीज आर द रिप्रोडक्टिव मेल्स एंड यंग क्वींस। स्प्रिंग के टाइम पे दिस क्वीन एंट टेक टू द एयर एंड मेट विद ईच अदर। उसके बाद मेल एंट्स मर जाता है एंड फीमेल क्वींस छोड़ के जगह ढूंढती है अंडे देने के लिए। बट बहुत से क्वींस को अंडे देने से पहले ही खा लिया जाता है। 500 में से ओनली वन क्वीन सक्सेसफुल होती है अंडे देने में, एंड जो क्वीन अंडे देने में सक्सेसफुल हो जाती है वो एक न्यू कॉलोनी एस्टेब्लिश करती है। ओवर द कोर्स ऑफ हर लाइफ एक क्वीन एंट आपको 300 मिलियन अंडे देती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज ऑफ एंट, एंड मेजोरिटीज ऑफ दिस एंट्स वर्कर एंट होता है। फीमेल एंट्स का काम होता है क्वीन की देखभाल करना एंड इन्वॉल्विंग इन रिप्रोडक्टिव वर्क। ऑन द अदर हैंड मेल वर्कर एंट्स का काम होता है कॉलोनी को डिफेंड करना, फूड अरेंज करना, लार्वा की देखभाल करना, टनल खोदना एटसेट्रा एटसेट्रा। एक कॉलोनी में डिफरेंट साइज के वर्कर रह सकता है। सबसे बड़ा वर्कर एंट होता है सोल्जर, जो कॉलोनी को डिफेंड करता है। मीडियम साइज एंट्स एक्सेवेट टनल, कलेक्ट लीव्स एंड कलेक्ट गार्बेजेस, एंड जो सबसे छोटा वर्कर होता है वो फार्मिंग करता है और फंगस कल्टिवेट करता है। द ओनली फूड सोर्स ऑफ द होल कॉलोनी। इट्स नो डाउट अगर हम ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो शायद हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक उसी तरह एंट्स के इतने सक्सेसफुल होने के पीछे एक और रीजन है कम्युनिकेशन। एंट्स के कॉलोनाइज तरीके से रहने के कारण साइंटिस्ट मानते थे कि एंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट किस तरह से वो किसी को पता नहीं था क्योंकि एंट्स सब पोर हियरिंग एंड विजन। फिर 1962 में लीडिंग एंटोमोलॉजिस्ट ईओ विल्सन बिगन टू क्रैक द कोड ऑफ एंट कम्युनिकेशन। ही स्टार्टेड विद द क्वेश्चन हाउ एक एंट दूसरे एंट को अपने फूड सोर्स के बारे में बताता है। ही नोटिस्ड एंट ट्रैवल करने के टाइम अपने एब्डोमिन को ग्राउंड के साथ टच करता है, दैट्स मीन एंट ट्रैवल करते टाइम केमिकल रिलीज करता है। सो उन्होंने फिर एंट को डाइसेक्ट करके एब्डोमिन को ऑर्गन को क्रश करके उस एंट जूस को पेपर में स्प्रेड कर दिया, ये देखने के लिए कि अदर एंट रिएक्ट करता है कि नहीं। उन्होंने हर तरह की ऑर्गन को यूज करके देखा बट किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर जब उन्होंने डुफर ग्लैंड नाम की एक ऑर्गन को क्रश किया तब बाकी सारे एंट्स ने रिस्पॉन्ड किया एंड उस रास्ते के ऊपर चला। ओवर द टाइम साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया एंट्स यूज 20 डिफरेंट टेक्निक टू कम्युनिकेट। अगर हम पहले तरीके की बात करें तो जब एक एंट को दूसरे एंट को खाने के बारे में बताना होता है तो रेक्टल ग्लैंड से ट्रेल डिपोजिट करते हैं एंड दूसरे एंट को अपने एंटीना के जरिए खाने की तरफ इशारा करता है, और जब एनिमी के बारे में बताना होता है तब एक्सटर्नल ग्लैंड से ट्रेल डिपोजिट करता है। दूसरी तरफ अफ्रीकन वीवर एंट अपने एनिमी के बारे में बताने के लिए 4 तरीके का केमिकल मिक्सर रिलीज करता है जो मैसेज देने के साथ साथ अपने कॉलोनी के दूसरे एंट्स के साथ कम्युनिकेट भी करता है। फर्स्ट सिग्नल बताता है टू बी अलर्ट,
सेकेंड वन बताता है शॉट्स फॉर द एनिमी, थर्ड वन बताता है एनिमी के पास जाओ और रास्ते में जो भी देखे काट डालो, एंड फाइनल में बताता है टू अटैक। साइंटिस्ट बिलीव्स दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सिग्नल्स आर क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। कम्युनिकेशन की वजह से एंट्स एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाते हैं, जो एक और मेन रीजन है एंट्स के इतने सक्सेसफुल स्पीसीज होने के पीछे। अगर हमें एंट्स की कोऑपरेशन देखना है तो हमें वेवर एंट को देखना होगा, जो जमीन पे नहीं पेड़ पर रहते हैं, एंड पेड़ के ऊपर सेफ रहने के लिए वेवर्स घर बनाते हैं विद डिफरेंट रूम वॉल्स एंड फ्लोर्स, एकदम हमारी तरह। एक घर बनाने का काम शुरू होता है बेंडी लुकिंग लीफ ढूंढने से। पहले एक एंट्स बेंडी लुकिंग लीफ को ढूंढता है एंड चेक करता है कि उसे खींचने से लीफ टूटता है या बेंड होता है। अगर पत्ता बेंड होता है तो बाकी सारे एंट्स अपने पत्ते को खींचकर एक शेप देता है। अगर एक पत्ते से दूसरे पत्ते की गैप ज्यादा है तो एंट्स एक दूसरे के सहारे लिविंग ब्रिज बना के दूसरे पत्ते तक पहुंचता है। जब पत्तियां एक दूसरे के करीब आ जाता है तब सील किया जाता है, और किस तरह से वो लोग पत्ते को जोड़ता है वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दे यूज देयर लार्वा टू सील, मतलब अपने होने वाले बच्चों को ग्लू गन की तरह यूज करता है घर बनाने के लिए। यू कैन सी एक सिंगल एंट शायद कुछ ना कर पाए, बट ए ग्रुप ऑफ एंट कैन अचीव एक्सीलेंस। हम सब भी ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, बट हम सब की एक पर्सनल लाइफ भी होता है, लेकिन एंट्स के लिए ऐसा नहीं है। एंट्स सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप के लिए जीते हैं, दे हैव नो पर्सनल लाइफ। एक वर्कर एंट अपने कॉलोनी के बाहर एक हफ्ते तक जिंदा रह पाता है, बट जब तक जिंदा रहता है वो अपने बॉडी वेट से 20 गुना ज्यादा फूड कलेक्ट करता है, और जब क्वीन एंट मर जाती है तब सारे एंट्स काम करना बंद कर देता है। वो लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक हर कोई मर नहीं जाता। इन शॉर्ट, क्वीन एंट के मरने से एक पूरा कॉलोनी खत्म हो जाता है। इस तरह की सेल्फ सेक्रीफिकेशन यूजुअली एनिमल किंगडम में देखने को नहीं मिलता है। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे।